भोजपुर जिले के शादियों में लगातार हर्ष फायरिंग में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और शादियों का जो माहौल होता है वो मातम में तब्दील हो जा रहा है। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद भी यहाँ के लोग सचेत नहीं हो रहे हैं और गलतियों से सबक नहीं ले रहे हैं और लगातार लाइसेंसी और अवैध हथियारों से शादी समारोह में हर्ष फायरिंग कर रहे हैं। अभी ताजा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सैदपुर का है, जहाँ लड़की की शादी के दौरान उसके चचेरे भाई की गोली लगने से मौत हो गई है। ये घटना बीते 21 मई की है। उसके पहले 1 मई को भी चांदी थाना क्षेत्र के भदवर गांव में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई थी। इसके अलावा बताते चलें कि जनवरी से लेकर के मई तक अभी तक 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कई लोग हर्ष फायरिंग में जख्मी भी हो चुके हैं। लगातार हो रहे हर्ष फायरिंग में घटना के बाद भी यहाँ के लोग अलर्ट नहीं हो रहे हैं। भोजपुर पुलिस के द्वारा लगातार दबिश भी बनाया जा रहा है, लेकिन लोगों को उससे कोई भय नहीं हो रहा है। शराब के नशे में कहिए या फिर अपने आदत से मजबूर कहिए, लोग अवैध हथियारों से और लाइसेंसी हथियारों समेत लगातार हर्ष फायरिंग कर रहे हैं और शादियों का जो माहौल होता है खुशियों का वो लगातार मातम में तब्दील होते जा रहा है। जहां एक तरफ शादी विवाह के माहौल में लोग खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं शादियों को, तो वहीं दूसरी तरफ मिनटों में ही चंद मिनटों में घटना मातम में तब्दील हो जा रहा है और चीख पुकार मच रहा है। अभी फिलहाल ताजा मामला सैदपुर गाँव का है, जहाँ पर रोहित कुमार सिंह नाम के युवक की गोली लगने से मौत हो गई है। इस मामले में बताया गया है कि रोहित कुमार की चचेरी बहन की अपनी चचेरी बहन की शादी थी और रोहित के ऊपर ही पूरे शादी समारोह का जिम्मेदारी था, लेकिन अचानक जयमाला के समय में हर्ष फायरिंग की वजह से उसकी गोली लगने से स्पॉट डेथ हो गई है। इसके बाद से पूरे जिले में हाहाकार मचा है। शादी के बाद से पूरे घर में मातम में तब्दील हो गया है। कुछ 10 मिनटों में उसकी शादी करा दी गई बहन की और जल्दी उसकी विदाई कर दी गई और उसके बाद उसके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराते हुए उसका विधिवत दाह संस्कार किया गया। तो कुल मिलाकर के लगातार हर्ष फायरिंग घटनाएं हो रही हैं। शादियों का जो माहौल होता है वो मातम में तब्दील हो रहा है और लोगों को इससे सबक लेनी चाहिए कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और हथियार नुमाइश करना, नर्तकियों के साथ बार बलाओं के साथ हथियार का प्रदर्शन करना और अवैध हथियारों से हर्ष फायरिंग करना, ये कहीं ना कहीं एक समाज में गलत संदेश दे रहा है और लोगों की जान लेने की एक खास वजह बन रही है। न्यूज 18 से भोजपुर के लिए गौरव सिंह।